में जो बात हुई थी उसका उन्होंने कोई ना कोई आधार दिखाया था, यहाँ का कोई आधार नहीं। आप रेलवे रोड पर घूम आओ, आपको पता चला। नहीं मैं बता रही हूँ, मैंने सब सुनवाए और आपके पास, मुझे तो ये लगता है मैं कुछ भी कर लूंगी आप पे, एक कारण रहेगा। जब रेलवे रोड हटवा वहाँ गए थे निशान नहीं करने, तो आपका कारण बता दी टाइम सेंटर। सुन लो सुन लो, 1240 के अंदर कुछ नहीं है, 1240 के इधर ही इधर होगा, 1240 के इधर इधर कुछ नहीं है। जो होगा वो फिर ऊपर से इशारा होगा, और नहीं तो मैं फिर सेट बैक करवाना शुरू कर दूंगी आपसे, नक्शे के नियम पालन करूंगी आपको। नहीं आप उनको हमेशा वो कारण आप बता दो जो मतलब नियम विरुद्ध हो, आपको सिर्फ पब्लिक को वही एक दिखता है कि ये गलत रह गया, ऐसे भी सही भी रहते हैं, कोई एक ऐसा कारण नहीं जो सही हो। अगर एक व्यक्ति का छज्जा रह गया, ऐसा भी व्यक्ति उसकी पूरी पूरी बिल्डिंग बना दी, सिटी मजिस्ट्रेट ने 13 मीटर पे नक्शा पास करो, और अगर वो 13 मीटर से कम पे पास है तो मैं करते हो, और सड़कों पर अतिक्रमण हटेगा कि नहीं हटेगा। चंद नेताओं की नेतागिरी के आश्वासन से नेहरू रोड के अतिक्रमणकारी बेखौफ हो गए थे और ये सोच रहे थे कि बुलडोजर उनकी ओर नहीं आएगा, परंतु बुधवार को उनका हलक फिर सूख गया। नेताओं की नेतागिरी नहीं चली, बुलडोजर के तनिक भर देख लेने से लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। व्यापारियों ने अपना विरोध भी दर्ज कराया, परंतु किसी की भी कला नहीं चल पाई। नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने नेहरू रोड पर चिन्हांकन कर लाल निशान लगा दिए, परंतु फिर भी अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया गया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76। शहर में बुलडोजर की गति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और लंबे आराम के बाद बुलडोजर एक बार फिर अपने आक्रमणकारी रूप में आ गया है। नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव अतिक्रमण मुक्त शहर के सपने को लेकर एक बार फिर बुलडोजर की सारथी बनकर शहर में निकल पड़ी। इसी क्रम में आज नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने चौक से लेकर घुमना तक सड़क के दोनों ओर चिन्हांकन कराकर लाल निशान लगवा दिए। आपको बताते चलें कि नेहरू रोड का कुल 13 मीटर चिन्हांकन किया गया है। चिन्हांकन के दौरान पाया गया कि अधिकतर दुकानें अतिक्रमण में बनी हैं, जिनको हटाना तय है। मजे की बात तो ये रही कि जो अतिक्रमण ना करने की बात कर रहे थे उन्हीं की दुकानों के भीतर तक फीता चला गया, जिसके बाद कुछ व्यापारी नेताओं ने अपना विरोध भी दर्ज कराया, परंतु उनकी कोई कला नहीं चली और जैसे ही कार्रवाई की बात कही विरोध करने वाले अपने आप शांत हो गए, जिसके बाद लोगों ने सड़क की चौड़ाई 12.40 मीटर करने की मांग की, परंतु दाल नहीं गली, जिसके बाद नगर मजिस्ट्रेट का काफिला आगे बढ़ गया और बताया कि अब घुमना से लाल दरवाजे तक चिन्हांकन की तैयारी है। तो आइए इसी संबंध में नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने और क्या कहा, सुनते हैं। क्या चिन्हांकन किया गया था, कहाँ से कहाँ तक किया गया है? आज नेहरू रोड से चौक से लेकर घूमना तक हमने चिन्हांकन किया है। सड़क यहाँ की 13 मीटर है और यही हमारा मेन मार्केट है जो कई लिंक रोड्स को जोड़ता है। कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कम करने के लिए, क्या लगता है? मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसमें जिलाधिकारी लगभग कितने दिन का समय दिया जा रहा है चिन्हांकन? अब यहाँ पे क्योंकि हम सब समय रेलवे रोड पे दिए तो समय देने को लाभ नहीं होता, लोग तोड़ते ही नहीं है, तो यहाँ पे एक वीक का ही नहीं समय दे दिया गया है जो चिन्हांकन हुआ है। यदि इसमें अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ वर्क ये करके दिखा देंगे कि हमने इंक्रोचमेंट रिमूव कर लिया तो हम लोग जेसीबी से नहीं तोड़ेंगे। मैडम जो छज्जे आएंगे बीच में जहाँ निशान लगाया जाएगा, जो सड़क की भूमि पर किसी प्रकार का छज्जा नहीं होगा। मैडम चौक पे ये जो मैकूलाल टाइम सेंटर वो बना हुआ गेट बना है तो क्या वो भी तोड़ा जाएगा?
वो उसका जब अंदर रोड चौड़ी हो जाएगी तो वो भी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट किया जाएगा नगर पालिका, उसको भी फिर उसका जीर्णोद्धार कराएगी रोड के साथ। कुछ लोगों ने कहा कि आज वो चक्का जाम कर देंगे, धरना दे देंगे, इस तरह की कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं आई है। यदि लोग ऐसा करेंगे और माहौल बिगाड़ेंगे तो हम सख्त कार्रवाई। मैडम घूमना तक चिन्हांकन हुआ, इसके बाद आगे कहाँ तक होगा? ये पूरी जो है लाल गेट तक होगी रोड, इसके बाद हम चौक से दूसरी तरफ जाएंगे किराना बाजार की। मैं लोहाई रोड पर बीते दिन पहले चिन्हांकन हुआ था, यहाँ चिन्हांकन देके हम समय दे देंगे और फिर हमारा आवास विकास और लोहाई रोड पर जो अतिक्रमण चिन्हित किया हुआ उसे हटवा।